अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। में फिर से आ गई दोबारा व्लॉग लेकर। आज का जो व्लॉग ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा होने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये सब्ज़ियाँ मैं लेके आई थी, मैं घर पे एक दावत है, उसमें मुझे चाइनीज़ बनाना है। जो दावत है हमारे देवर की, जो है वो सालगिरह थी, बर्थडे थी, तो हमारे घर पर सबकी बर्थडे मनाई जाती हैं। तो बस घर घर के लोग थे, बाकी 2-3 मेहमान आए थे, तो बस उनके लिए बनाना था। तो सब्ज़ियाँ तो काफ़ी सारी थी, लेकिन ना मैं सोचा था थोड़ी सी मैं सेव कर लूँगी बाद के लिए, बाद में बन जाएगा कुछ। और ये शाशलिक के लिए काटी थी मैंने प्याज और थोड़ी सी शिमला मिर्च बड़ी बड़ी सी, तो लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, सब्ज़ियाँ नहीं बच पाई अनफॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो गया कि बस नुकसान समझ लें या फिर अल्लाह की मर्ज़ी, जो अल्लाह की मर्ज़ी हो, जिस दाने पर आपका नाम लिखा हो वही आप खा सकते हैं, उसके अलावा नहीं खा सकते हैं। खैर मैं आगे जाके आपको बताऊँगी कि क्या नुकसान हुआ था। तो यहाँ पर मैंने सोचा अगर मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ तो यहाँ पर थोड़े से मैं चाउमीन भी बना लूँ, क्योंकि सब्ज़ियाँ मेरे पास हैं, चिकन मेरे पास है, मुझे चिकन चाहिए, मेरे सारे पास सॉसेज भी मेरे पास सारे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास, मैं ये देखी थी स्पैगेटीज हैं, तो मेरे पास स्पैगेटीज का पूरा पैकेट रखा हुआ था, तो मैंने सब्ज़ियाँ तो ये नहीं। और यहाँ पे जो है चिकन जो है मैंने 1.5 किलो जो है बोनलेस ली थी और उसकी छोटी छोटी बोटियाँ बना ली थी। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ना मैं शाशलिक के लिए मैंने सॉस बना के रख लूँगी साइड में 15 मिनट के लिए, इसको सेव कर दूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने चिकन में लहसुन अदरक का पेस्ट और ये जो चिल्ली गार्लिक सॉस मैं लेके आई थी, केचप डालना है डालने, लेकिन चिल्ली गार्लिक सॉस जो है वो डालने से ये होता है कि वो मीठा नहीं होता ज़्यादा, चिल्ली गार्लिक सॉस। तो इसमें जो है अब मैं सिरका डाल दूँगी थोड़ा सा, इसके अलावा अब मैं इसमें डाल दूँगी सोया सॉस। तो सोया सॉस की जो बॉटल है ना मेरी बंद थी, इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा सोया सॉस डाल दूँगी, थोड़ा सा नहीं काफ़ी सारा डाला था, क्योंकि मैं बहुत सारा शाशलिक बना रही थी। अब मतलब 2 किलो चावलों के लिए तो मुझे ज़्यादा ही चाहिए था शाशलिक। और यहाँ पे नमक डाल दिया है मैंने, नमक मैंने बाद में भी चखा था और कम ज़्यादा था, कम ज़्यादा तो नहीं होता, मेरा नमक कम ही होता है, तो खैर नमक कम था तो मैंने और डाल दिया। चीनी डाल दी थी मैंने इसमें, कुटी हुई लाल मिर्ची डाल दी थी, काली मिर्ची डाल दी थी 1 चम्मच, एक चम्मच से थोड़ी सी कम थी, काली मिर्ची ज़रा कड़वा करती हैं उसको, हर चीज़ को, तो काली मिर्ची ज़रा ना थोड़ी कंट्रोल में डालनी चाहिए। और यहाँ पे जो है मेरे पास चिकन पाउडर था, ये मैंने पूरा चम्मच भर के डाला था। हाँ जी, तो बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको मैं रख दूँगी साइड में 15 मिनट के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे जो ना एक चीज़ भूल गई थी मैं, धरती का रंग डालना, तो ये भी ऐड कर देंगे ताकि ना थोड़ी सी लाल लाल सी आपकी जो है बोटियाँ बने। तो थोड़ा सा मैं धरती का रंग जो है इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको मैं अब रख दूँगी 15 मिनट के लिए साइड में। यहाँ पे जो है ना मेरे चावल उबल चुके हैं, आप देख रहे होंगे, लेकिन ये चावल जो है थोड़े से ना ख़राब हो चुके थे, ये पिचपिचे हो चुके थे, क्योंकि जब चावल में उबाल ली थी उसी दौरान हमारी ना गैस चली गई थी, और फिर चावल मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि पानी जो है वो काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है और चावल ना उसमें पिचपिचे हो गए। जब मैंने आके देखा गैस लेके जब हम लोग आए हैं और मैंने देखा है तो सारे चावल मेरे ख़राब हो चुके थे। खैर मैंने फिर भी उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश की, पहले अटैम्प्ट तो मैंने उसी चावलों के साथ किया। यहाँ पे मैंने अंडे भी डाल दिए थे, सारी सब्ज़ियाँ भी डाल दी थी उसी में ही, ये देखें मैंने डाल दी हैं। उसके अलावा ये गाजर वाजर भी फ्राई करने के, ये सब मैंने डाल चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने गाजरों को लिया सबसे पहले, उसमें थोड़ी सी काली मिर्ची डाली, सिरका डाला, सोया सॉस डाला, इसको फ्राई करके, ज़्यादा नहीं पकाना है वरना बहुत नरम हो जाएंगी, तो इसको फ्राई करके मैंने ये डाल दी थी चावलों में। उसके बाद यहाँ पे मेरा ये भी चढ़ा दिया था अपना शाशलिक जो था, उसके बाद मैंने ये भी डाल दी थी गोभी, शिमला मिर्च। अच्छा जी, इसमें शाशलिक में ना थोड़ी देर पकाने के बाद, चिकन पकने के बाद फिर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था, ये मैंने सारी सब्ज़ियाँ इसमें ऐड कर दी थी, लेकिन जब मैंने इसको मिक्स किया तो बहुत गंदा टेस्ट आ रहा था, मतलब मेहमानों के आगे पेश करने वाली चीज़ नहीं थी ये।
तो उसके बाद मैंने दोबारा से सारी इसको डिस्कार्ड किया है चावलों को, क्योंकि ना खाने के लायक थे ना किसी को देने के लायक थे, कच्चे पक्के हो रहे थे और पिचपिचे हो रहे थे। तो उसके बाद मैंने सारा डिस्कार्ड किया इसको और एक साइड में कर दिया। अच्छा, इसमें मैंने सोया सॉस वो डाल ली हूँ, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद थोड़ा गाढ़ा हो गया था ये, और उसके बाद मैंने इसमें ये डाल दिए थे आखिर में सब्ज़ियाँ, और बस बंद कर दिया था चूल्हा थोड़ी देर पकाने के बाद। तो मैं आपको बता रही थी, हाँ, तो मेरे जो है ना चावल बिल्कुल ही पिचपिचे हो चुके थे, तो मैंने जल्दी जल्दी से डिस्कार्ड किए चावलों को, पतीली अपना जल्दी से धोया, दोबारा चावल चढ़ाए हैं और दोबारा सारा प्रोसेस किया है। तो मेरी बहुत ज़्यादा ही कल जो है मतलब के डबल मुझे बनाना बन गया था, और खैर चलें जो अल्लाह की मर्ज़ी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है चाउमीन बना रही हूँ मैं, तो चाउमीन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, उसमें अब मैं चिकन डाल दूँगी। अच्छा, चाउमीन जो है उस दिन भी मैं आपको अनाबिया के स्कूल में बनाता हूँ, तो मैं उस दिन भी आपको रेसिपी देना चाह रही थी लेकिन नहीं दे पाई थी जल्दी जल्दी बनाने में, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपको बताई जाए इसकी भी रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने वही अपना जो चिल्ली गार्लिक सॉस था वो भी डाल दिया, थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। अच्छा, उसके बाद मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, नमक डाली, चीनी डाली, अब ये सोया सॉस डालनी हूँ, और थोड़ा सा सिरका भी डाला था मैंने इसमें। उसके बाद ये जो सब्ज़ियाँ बची हुई थी वो डाली हैं, और थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद, ज़्यादा नहीं, सब्ज़ियों को ज़्यादा नहीं पकाते, तो थोड़ा सा इसको हल्का सा मैंने फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसमें स्पैगेटीज डाल दी थी अपनी, तो इसको हाथ से खोलना था स्पैगेटीज को, हाथ मेरे बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं यहाँ पर इसमें अच्छा सोया सॉस, अक्सर आपने स्पैगेटीज खाई होंगी तो वो वाला टेस्ट नहीं आता जो बाहर से बाहर वाले में आता है, तो अगर आप ऊपर से इसमें सोया सॉस डाल दें आखिर में, मतलब ऊपर से डालें अगर सोया सॉस स्पैगेटीज में, तो ये देखिए मेरे चावल जो डिस्कार्ड किए थे वो रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊँ ये भी। तो यहाँ पे जो है ना दूसरे मेरे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, देखिए मैंने कितनी मेहनत से दोबारा दूसरे बनाए, बस अब इसमें जो ना आखिर में ये तड़का डालनी हूँ मैं, तो ये तड़के से भी बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो मैं बोली थी सोया सॉस डालने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आखिर में डालें तो बिल्कुल बाजार वाला आता है। तो यहाँ पे टोटल खाना रखा था और गिफ्ट आया था, और बहुत अच्छा गिफ्ट एक और भी था वो नहीं दिखा सकती मैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक करें, डू सब्सक्राइब माई चैनल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।